मैं नरेंद्र भगत भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और जिला परिषद मेरी मिसेज है। मैं आज का जो मेन विषय है जिस पर आप लोगों को आमंत्रित किया मैंने, उसका मेन विषय है कि जो अपना शहीदी दिवस पे मास्टर अपने पूर्व विधायक गौतम राम कौर गौतम जी ने जो एक मर्यादित भाषा का प्रयोग पे सार्वजनिक मंच पे सर छोटू राम हमारे वो जो बहुत बड़े बड़े सेट हुए हैं छज्जू राम जी के बारे में गलत टिप्पणी गलत अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसके विषय में सारी जनता में समस्त हरियाणा में और समस्त सभी दो हल्के में सारे में रोष है कि उन्होंने जो मास्टर गौतम जी ने हमारे पूर्व विधायक ने तो एक सार्वजनिक मंच पे ये बात बोल दी कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। हम ये सारा समाज इस बात से इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उस दिन शहीदी दिवस पर ऐसी क्या बात हो गई थी कि उन्होंने सर छोटू राम जी को छज्जू राम जी को एक गद्दार का उपाधि दे गद्दार कहकर एक सार्वजनिक मंच को संबोधित करना पड़ा। और सबसे जो मेन बात हुई है कि एक हमारे बहुत बड़े अपने आप को नेता वास्तव में नेता हैं हमारे श्री हमारे जो जेजेपी के संचालक है दिग्विजय जी, उन्होंने भी उस बात का समर्थन किया। दिग्विजय जी के किसी भी प्रचार पर हमारे जो NLO पार्टी होती थी इंडियन नेशनल लोकदल या आप जेजेपी में का रूप लिया उसने भी वो किसी भी सार्वजनिक मंच पे किसी भी सभा में सर छोटू राम जी का सबसे फ्रंट पेज पर फोटो लगाते दुष्यंत जी ने भी उस बात का समर्थन किया है। उस सभा में दिग्विजय जी नहीं थे दुष्यंत जी थे। उस सभा में दुष्यंत जी ने भी उनका गौतम जी का एक MLA का गौतम जी की बात का समर्थन करते हुए ये कहा है कि सर छोटू राम जी जिन्होंने सर की उपाधि है उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। और मैं ये कहता हूँ कि सर छोटू राम जी या छज्जू राम जी किसी समाज किसी कौम किसी धर्म के नेता नहीं थे। वे पूरे भारतवर्ष के समस्त जाति के पूरे समाज के जिन्होंने हिंदू समाज ने उनको दीन बंधु सर छोटू राम जी कहकर पुकारा था। मुस्लिम कौम ने उनको सर छोट मुस्लिम कौम ने उन्हें सर छोट उनको रहम आजम का नाम दिया था रहबर आजम का नाम दिया था और मुसलमानों ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। उस बात पर ये सारी जनता में रोष है कि उन्होंने इस सार्वजनिक सभा में इतनी बड़ी बात अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। ये एक बिल्कुल ये टिप्पणी उनकी पूरी चर्चा का विषय सारे हरियाणा में बनी हुई है और उन्होंने अपने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसमें उन्होंने अपने सार्वजनिक मंच पर अपने शब्द वापिस लेने चाहिए और आम जनता से सार्वजनिक मंच पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ मास्टर गौतम जी ने जो जिन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी दी है उन्होंने समाज के लिए क्या किया। उन्होंने अपने एक विधायक का पद प्राप्त करने के लिए विधायक बनने के लिए दूसरी लगातार हर विधानसभा में अपनी पार्टी बदल देते हैं और वो इतने बड़े आदमियों पर इतनी बड़ी टिप्पणी करते हैं जिन्होंने हमारे जो JJP के मेन संचालक हैं हमारे उन्होंने भी उनका बात का समर्थन करते हुए इतनी बड़ी बात का समर्थन किया। उन्होंने इस प्रकार तो ये हमारे ये नहीं है कि हम सिर्फ छोटू राम जिया का या किसी एक समाज के बड़े व्यक्ति के समाज के प्रति वो बात करते हैं लेकिन कहीं समाज या कहीं सार्वजनिक मंच पर हर कहीं चौधरी देवीलाल जी के बारे में गलत टिप्पणी होगी हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में गलत टिप्पणी होगी तभी भी समाज एकजुट से उनका विरोध करे। अच्छा जी बात करी जाए दुष्यंत जी कहीं ना कहीं ये कहते नजर आए कि हमने सर छोटू राम को ये बोला ही नहीं है बारे में जबकि इतिहास में 1300 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिनको जो है इसका जो है गद्दार का जो है उन्होंने जिक्र करा कि जिन्होंने जो है राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही दी थी। देखिए आज के दिन उन्होंने ये मंच पे ये बोला था कि हम हमारे राजगुरु और सुखदेव जी को शहीद की उपाधि नहीं दी गई है लेकिन उपाधि तो जनता के मनों में होती है समाज के मन में होते है। पूरे भारतवर्ष में आज उनको एक इज्जत के साथ देखा जाता है उनका सम्मान हर रोज के शहीदी दिवस पर सैकड़ों ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं उनके प्रतिमाओं पर माला लगाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि उनको एक उपाधि नहीं दी गई लेकिन जनता के बीच में जो उनका मान सम्मान है आज भी सर्वोपरि है। और हमारे दुष्यंत चौटाला जी जिन्होंने अपने परिवार के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की और अपने चौधरी देवीलाल जी के चौधरी अपने
उनके दादाजियों के नाम पर उन्होंने उस परिवार को एक अपने स्वार्थ के लिए परिवार को एक इतना बड़ा झटका दिया है, तो वो भी उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं। और समाज में उस उनका अभी भी विरोध है इस बात का। अगर पूरे समाज जिस समाज के प्रति उन्होंने इतनी बड़ी MLA बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री, उनका परिवार मुख्यमंत्री पद तक, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा, और आज वो समाज को इस तरह मैं मर्यादित भाषा प्रयोग करके उनका विरोध कर रहे हैं। और आप कभी भी देखना कि सर छोटू राम जी के जन्मदिन पर पूरा चौटाला परिवार उनकी प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाता है, और दुष्यंत चौटाला जी ऐसे अभद्र व्यवहार से आम समाज में एक सार्वजनिक मंच पे ऐसे अभद्र व्यवहार का प्रयोग करते हैं, इसमें उसको माफी मांगनी चाहिए सारे समाज से। अगर उन्होंने किसी सार्वजनिक मंच पर माफी नहीं मांगी, ये पूरा समाज उसका विरोध करेगा, सड़कों पर उतरेगा और उनके पुतले होंगे। दुष्यंत जी का कहना है कि किसान मसीहा लोग मानते हैं सर छोटू राम को, देवीलाल को। अगर अब मैंने उनके बारे में कभी ऐसी प्रतिक्रिया करी नहीं, मैं आज भी इसी बयान पे खड़ा हूँ। पत्रकार बंधु, ये सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया, उनकी वीडियो क्लिक हुई है, हर बच्चे बच्चे पे उनका वायरल हो रहा है कि उन्होंने उनका गौतम जी का, विधायक जी का इतना बड़ा समर्थन करते, उन्होंने अपने समाज के, कौम के, देश के बारे में इस टिप्पणी को समर्थन देने के बारे में उन्होंने पहले विचार करना चाहिए था कि आप किसके बारे में कितनी गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उचाणा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि दुष्यंत जी इंग्लैंड जाके ऐसे करते हैं, क्या कहोगे? ऐसा है, इस इन बातों से हमारे को ना तो हमारे पास ऐसी बातें आई, ना ऐसी भाषा हमने बोलनी चाहिए। कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है उसके लिए गलत है, समाज उसकी निंदा करेगा, और हमारे में इसमें कोई ऐसी हमारे को इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर दुष्यंत जी बैकफुट पे नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे? अगर दुष्यंत जी अगर इस सार्वजनिक मंच में माफी नहीं मांगेंगे, सफेदों का चक्का जाम कर देंगे और JJP के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह करेंगे, दुष्यंत जी के, उनकी पार्टी के खिलाफ, जिन्होंने सदा इस कौम ने उनको इतने आगे बढ़कर उनका मान सम्मान किया, उस कौम के बारे में, उस समाज के बारे में, अगर इतने बड़े नेता इस समाज के बारे में, अपने देशभक्तों के बारे में ऐसी मर्यादित भाषा का, मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो सारे समाज ने उसको विरोध करना चाहिए। और नरेंद्र गणेश के साथ ही सैकड़ों युवा आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, सैकड़ों युवा के मन में जोश है कि दुष्यंत चौटाला ने इसकी माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी नहीं मांगी तो उनके पुतले फूटे जाएंगे। किस प्रकार की रणनीति रहेगी जी? गणेश जी, 23 तारीख का था जो इसका विरोध अब 5-7 दिन बाद क्यों? 23 तारीख का विरोध, देखिए सोशल मीडिया का जमाना, जैसे जैसे फोटो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, तो सभी समाज में ये रोष प्रकट हुआ कि ऐसी कौन सी बात आ गई थी उस मंच पे कि दुष्यंत चौटाला ने उसने अपने सर छोटू राम जी सेठ जी के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी करनी पड़ी, जिस समाज ने उसको इतना बड़ा पद दिया है, जितने उस समाज ने उसको पलकों पे बिठाया है, और आज वो अपने परिवार के साथ भी गद्दारी कर चुका है और इस समाज के साथ भी गद्दारी करता है, उन्हें अपने पूरा जो NLO का चेहरा था वो साफ प्रकट है कि ये JJP नहीं, वही NLO लटकल है जो लोगों को परेशान करता था और एक गरीब और मजदूर के हक को छीनता था। और सर छोटू राम ने तो हमारे समाज को एक जीना सिखाया है, वो एक सिर्फ एक समाज के नहीं, सर मजदूर के, किसान के, कमेरा वर्ग के, सब के नेता थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। और उस समय में जबकि यहाँ अंग्रेजों को तुत्ती बोलती थी, अंग्रेजों ने उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा था, उनके सामने अपना माथा टेकना पड़ा था कि सर छोटू राम जी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और किसानों के जो आपने भाव तय किए हैं वो पूरे पूरे हमारे को ये अनाज मिलना चाहिए और पूरे भाव हम आपको उसके लिए देंगे। तो इस तरह महात्मा जिन्होंने समाज के लिए, गरीब के लिए, कमेरा वर्ग के लिए, जिसने एक नई पहचान दी और उसके बारे में इतनी गलत टिप्पणी करना, हमारे उसमें एक जो ये पूरी मीटिंग है, पूरा सफेदों का समाज, सफेदों यहाँ बैठा है, तो ये उनसे कोई चौधरी देवीलाल जी का विरोध करेगा, चौधरी चरण सिंह का विरोध करेगा, जगजीवन राम जी का विरोध करेगा, महात्मा गांधी जी का विरोध करेगा, तभी भी ये समाज एक और उनको एक पाठ पढ़ाने का काम करेगा, उनका पूरा का पूरा समाज विरोध करेगा। ये BJP की वो नहीं है कि यहाँ BJP ही विरोध करे, पूरा सफेदों, पूरा हल्का, कल जींद में भी पुतले फूके, उचाणा में भी पुतले फूके गए हैं, सिर्फ इसी वजह से फूके गए कि उन्होंने एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया सार्वजनिक मंच पर।
अगर माफी नहीं मांगते तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली लड़ाई वो तो हो गया पूरा, हम समाज इकट्ठा होकर उनका विरोध करेंगे, उनकी पार्टी का भी विरोध करेंगे और जनता में एक एक व्यक्ति को जाकर ये कहेंगे कि यही ये जेजेपी पार्टी वही है कि नल्लो का रूप है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जब इनका बड़ा कोई जलसा जुलूस होता था उस समय एक गरीब के मजदूरों को तंग किया जाता था, उनके रेडियो पर फ्रूट के रेडियो से फ्रूट छीन कर लोग खा जाते थे और लोग कहते थे कि जाकर चौधरी देवीलाल जी इसका हिसाब करेंगे, ओम प्रकाश चौटाला जी आपको पैसे देंगे। अल्टीमेटम कब तक था? अल्टीमेटम तो साधने जब सारे हम अपनी पार्टी से भी इसका आग्रह करेंगे कि सारा एक मंच पर आकर खड़े हो और इसका विरोध करो। अल्टीमेटम इसका अगर दो चार एक हफ्ते के अंदर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो सारा सारा हरियाणा सारा समाज इसका विरोध करने के लिए उतावला है। विषय तो इससे बड़ा आज के दिन कोई विषय नहीं है।